हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और आपके अपने ही चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी बज रहा है ये दोपहर का 2 और मैं बना रही हूँ जो कि थोड़ा सा घिया रखा था ना, यहाँ पे घिया बोलते हैं, हमारे यहाँ लौकी बोलते हैं, तो आधा लौकी रखा हुआ था तो उसी का जा रही थी मैं बनाने, जो कि सब्जी। तो हमेशा सब्जी वैसे ही बनाती हूँ, लेकिन आज कोफ्ता बनाने का मन कर गया है। बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। तो इसका बहुत बार मैंने रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, तो इसीलिए मैंने रेसिपी नहीं शेयर की, तो वैसे ही बता दे रही हूँ। जो कि इसे कद्दूकस करके इसमें बेसन और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्च और नमक डाल के बस इसे जो है तल लेंगे, और उसके बाद सब्जी के तरह बना देंगे। जैसे हम सब्जी बनाते हैं, टमाटर डालते हैं, प्याज डालते हैं, मसाले सारे डालते हैं, वैसे डाल के और बॉल्स डाल के इसमें बना देते हैं। तो जो मतलब हम बनाए रहते हैं घी का, और वही सब बनाने के बाद हम जा रहे हैं। अभी जो है ये दूसरे दिन का है मेरा वीडियो, ये दूसरे दिन का वीडियो है, जो कि मैं जा रही थी बैंक कुछ काम से, तो इसलिए। और हस्बैंड जी जा रहे थे तो मेरा थोड़ा सा ही काम था, वहाँ तो हस्बैंड जी ही वो काम कर देते, लेकिन जो है मेरा भी मन था, बार बार घर में रहते रहते भी जी थोड़ा सा घबराने लगता है, तो जा रहे थे। तो फाइनली हम भी निकल गए साथ में, मैं और परी। और परी जो है आज स्कूल गई भी नहीं थी, उसका आज रोने लगी है, उसका तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो कहे हम चलो मत जाओ। तो इसी तरह से शहर में गलियां देखने को आप लोगों को मिलेंगी, जो कि तंग गलियां हैं, छोटे 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 रास्ते हैं, जगह जगह से मोड़ रहता है गलियों से। तो फाइनली हम आ गए थे रोड पे, तो रोड पे भी वही मिलेंगे आप लोगों को देखने के लिए, गाड़ी घर यही, इसके सिवा और क्या मिलेगा आप लोगों को देखने को, जो कि जल्दी से ही हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। भाई को एक से आओ तो 5 मिनट 7 मिनट, ये तो मेरा फोन का है, बस बैंक तक। तो बैंक का काम हो गया था, तो उसके बाद हम फिर से निकल गए अब घर की तरफ। तो हम आए थे तो दूसरे रास्ते थे, उस रास्ते से बहुत कम टाइम लगता है आने पे, आने में बैंक में। और ये देखिए आप लोग, धूप दिखा रही थी, इतना भयानक धूप हुआ था, इतना भयानक, कैमरे में नहीं पता चल रहा था, लेकिन इतना तेज़ धूप कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत तेज़ धूप थी। तो फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वही जो शूट करना था वो करी थी, और कैसे हो रहा था वो भी मैंने नहीं देखी, इतना ज़्यादा धूप था ना कि मोबाइल में दिख ही नहीं रहा था कि क्या शूट हो रहा है क्या नहीं शूट हो रहा है, और ज़्यादातर कैमरा जो है ऊपर ही दिखाई दे रहा था, नीचे नहीं दिख रहा था। तो वही जो है आज थोड़ा सा निकल गए थे हम भी घूमने के लिए, और दोपहर हो गया था तो बिना खाना बनाए ही हम गए थे। और हाँ, इस रोड पे जो है ना मिलते हैं यही कपड़े उपड़े ज़्यादा रोड पर मिलते हैं, ये हमारे सादा रोड बोला जाता है इसे, तो यहीं पे। और अभी जो है ना खाना बना के नहीं आई थी, तो सोची थी घर जाके ही बनेगा खाना, तो उससे पहले छोले भटूरे ले लिए थे हस्बैंड जी, मैं ही बोली थी कि ले लीजिए आज छोले भटूरे, खाने का मन कर रहा था बहुत दिन से, तो वही हैं आज ले रहे हैं। नहीं तो जब इनका नाइट ड्यूटी पहले चलता था ना, तो ये सब खाने वाने को तो जल्दी मिल जाते थे, अभी इनका जो है दिन का ड्यूटी चलता है, तो इतना दूर कौन आता है लेने, और हस्बैंड जी दिन में रहते ही नहीं हैं, तो फिर लाएगा कौन। तो आज आए हैं फाइनली, तो ले लिए हैं हम। और ये देखिए आप लोग, मैं इसीलिए जो है ना और कहीं नहीं जा पाती हूँ, बस एक ही रोड पर जा पाती हूँ, वो जो कि हमारे घर से बहुत नज़दीक है, जहाँ पर मैं सामान वामान लेने जाती हूँ वो नज़दीक है, वो 3-4 गली के बाद है, तो याद है मुझे, और जगह मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि ऐसे ना जगह जगह से घूमना है, ये पतली पतली गलियाँ जो है ना, ये इसमें मैं भूल ही जाऊँगी अगर कभी मुझे जाना पड़े तो। और इसीलिए मैं कभी नहीं जाती हूँ कहीं पे अकेले, अगर हस्बैंड जी नहीं रहेंगे तो किसी ना किसी को, मतलब आस पड़ोस के किसी ना किसी को ले कर जाऊँगी, पर जाऊँगी अकेले नहीं जा पाती हूँ मैं कहीं भी। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने सब्जी मंडी में, अपने क्या मतलब हमारे घर के पास वाली जो सब्जी मंडी है, तो वहाँ आ गए थे। वहाँ तक, यहाँ तक तो मुझे, यहाँ तक तो मैं आसानी से आ जाती हूँ, बट इसके बाद अगर जाना रहे तो मैं भूल जाऊँगी, जाने को तो चले जाएंगे पर उधर से वापस नहीं आ पाऊँगी। तो यही सब देख लीजिए आप लोग, और शूट कर रही थी मैं, कभी बाई चांस अकेले जाना पड़ जाए तो इसी तरह से वीडियो देख लूँगी मैं भी, और चली जाऊँगी। तो मजाक कर रही हूँ, जब भी नहीं जा पाऊँगी भूल जाऊँगी मैं, दूर है।
और बस आ गए थे हम अपने गली में। तो देखिए फाइनली हमारा गली आ गया है, जिस गली में नहीं अभी नहीं आया है, एक ही जैसे दिखता है ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे हमारे गली में आ गया। तो सब्जी मंडी ये है का गली, और उसके बाद अब आया हमारा गली जिस गली में हमारा घर है, और गली नंबर 5। तो ये देखिए आप लोग इस गली में आ गए हम, इसी गली में आगे है हमारा घर। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 12:30 और 20-25 मिनट पहले आए हैं हम। तो मैं तो लाई थी अपना, वो खा ली हूँ, हस्बैंड जी सब्जी बना दी हैं तो मैं रोटी बना दी हूँ, अभी वो खा रहे हैं। जैसे ही रोटी जा रही थी बनाने तो मुझे याद आ गया है कि आटा तो है ही नहीं, याद क्या देखी हूँ आटा तो है ही नहीं, 2-4 दिन का है बस। और धूप आज बहुत ही अच्छे से धूप है, तो इसीलिए मैं कही हूँ चलिए आज गेहूँ धो ही लेती हूँ फाइनली, क्योंकि कब मौसम चेंज हो जा रहा है कोई भरोसा नहीं है। कितने दिन से तो बारिश ही बारिश हो रही थी। तो अभी हस्बैंड जी से बोली हूँ तो टप में अभी गेहूँ भिगो दिए हैं, और इसका जो छोटे छोटे इसमें मिट्टी है ना वही थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम करता है, तो अभी उसे ये जो है गल गया होगा उसमें। तो अभी चल रही हूँ छत पे, और बहुत बहुत तेज़ धूप है, अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। अभी देखिए आप लोग कितना 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 ज़्यादा धूप है, धूप है रुका भी नहीं जा रहा है, इतनी ज़्यादा धूप है, इतना ज़्यादा धूप है, क्या बताऊँ मैं आप लोगों से। और गेहूँ यहाँ पे पड़ा है, और यहाँ पे ना पैर नहीं रखा जा रहा, इतना तेज़ जल रहा है क्योंकि बहुत तेज़ गर्म है। तो जी अभी डाल दी हूँ गेहूँ, ये देखिए आप लोग, और इतना तेज़ धूप है कि पैर जल गया, मेरा हालत ख़राब हो गया, बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है आज। तो हो सकता है शाम तक सूख भी जाए, और पीछे आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रहा होगा जो कि नान खटाई, मेरठ का नान खटाई मशहूर बिक रहा है। अगर आप लोगों के यहाँ बिकता होगा नान खटाई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गए थे हम लोग बैंक, जो कि थोड़ा काम था, मेरा ATM आ गया था और खाता खुलवाई थी, जो कि ब्लॉग में आप लोगों को बताई ही थी पिछले, तो उसका आ गया था मेरा ATM, तो उसी का पासवर्ड लेना था और कुछ पैसे जमा करने थे, तो इसलिए हस्बैंड जी आज घर पे थे तो हम गए थे। आज अभी आए थे तो वही याद आ गया था गेहूं का। तो चलिए जी ये काम भी हो गया, अभी चलती हूँ मैं नीचे, और बहुत तेज़ धूप है, अभी थोड़ा सा AC भी चलाना पड़ेगा जो कि बहुत तेज़ गर्मी है। और परी रो रही थी, कभी से रो रही है, तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि जल्दी से आओ फिर AC चलाते हैं छत पर से, आओ तो गेहूँ डाल के। तो इस ये ब्लॉग मेरा यहीं तक रहेगा, जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा, और मिलते रहेंगे ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।